कागज पे नोट करके रखे। हेलो हेलो हाँ, मनोज जी की बाइट हो रही है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, क्योंकि आपके कुछ टेलीविजन चैनल में रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा। अभी हम 86 सीट पे लीड कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन वहाँ आ रहा है 66। हम सीधे अपने वॉर रूम से, जहाँ ईवीएम की काउंटिंग हो रही है, वहाँ बात कर रहे हैं। आप सब ने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मात्र 80 लाख वोट की काउंटिंग हुई है। 4 करोड़ वोट की, 4.25 करोड़ वोट की काउंटिंग होनी थी, कितनी बची हुई है? गैप नैरो हो रहा है। कम से कम 70 ऐसी सीटें हैं जहाँ 500 का मामला। और आपको आपको यकीन के साथ कहते हैं, चंद घंटों बाद आपसे मिलेंगे ये कहते हुए कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। सिर्फ इतना आग्रह है कि कई लोग इसमें मनोवैज्ञानिक गेम खेलने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, हमारे उम्मीदवारों से आग्रह है आपके माध्यम से, जीत का सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे कारण है। इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक एक ही जगह। लेकिन हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में महागठबंधन के सहयोगियों से भी बात कर रहे हैं, और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहां बदलाव सुनिश्चित है। चंद घंटों का इंतजार करिए, और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परिवर्तन देखेंगे। हिसाब से महागठबंधन कितनी सीटें सर महागठबंधन को आ रही है? आपको मैं सीधा बता देता हूँ, 122 है आंकड़ा, उसके ऊपर ये कहाँ रुकेगा जो मैंने पहले कहा था, आज भी दोहरा रहा। अभी कितनों पे लीड कर रही है अभी? जैसा अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल टाइम डेटा में हम 124 पे। कॉन्फिडेंट है सर? कॉन्फिडेंट है, पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। हमारी बात छोड़िए, बिहार कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बिहार ने इस बार रोजगार पे वोट किया है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट किया है। बिहार के लोग नया बिहार गढ़ने के लिए वोट किए हैं, इसलिए हमारे हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं। शायद अभी 1:30 बज रहा है, 7-8 बजे रात तक जब आपके पास आएंगे ना, तो ये करते हुए। मनोज झा जी, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है सफलता बोलने लगी है। मिठाई बांटने जा रहे हैं, याद है पिछली बार का? उनको सारी मिठाई बाद में राजद कार्यालय में भिजवानी पड़ी। मनोज झा जी, बीजेपी कह रही है सफलता बोल रही है। चलिए।